हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज आपको सिखाने वाले हैं हम स्क्वायर करना। क्या होता है स्क्वायर, यानी वर्ग करना क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से और इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि आप जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इनको ज़रूरत पड़ती है करते हैं, तो एक बहुत कम समय में आप इनको कर पाएंगे। तो वो हम कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे और क्या होता है स्क्वायर करना वो भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले नंबर लिखा हुआ व्हाट इज स्क्वायर, आखिर स्क्वायर है क्या। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कोई भी नंबर है और उस नंबर का स्वयं उसी में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो स्क्वायर कहलाता है। जैसे अगर हम वन का वन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वन प्राप्त होता है, ये वन का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम टू का मल्टीप्लाई टू में करते हैं तो ये फोर प्राप्त होता है, ये टू का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम थ्री का मल्टीप्लाई थ्री में करते हैं तो हमको नाइन प्राप्त होता है, तो ये थ्री का स्क्वायर हो गया। इन द सेम वे अगर हम फोर का मल्टीप्लाई फोर में करते हैं तो हमें सिक्सटीन प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, स्क्वायर करना होता है। और इसको हम इस प्रकार से डिनोट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि हमको एट का स्क्वायर करना है तो एट पर पावर टू लगा देंगे, तो इसका मतलब होता है कि हम एट का स्क्वायर कर रहे हैं, या इट कैन बी रिटन एज एट इंटू एट, क्योंकि पावर टू लगी है तो टू टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाता 64। एट का स्क्वायर होता 64। तो किसी नंबर का आपस में उसी में मल्टीप्लाई कर देना ही क्या कहलाता है, स्क्वायर करना कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे स्क्वायर आखिर निकालते कैसे हैं, क्या उसकी विधियां हैं निकालने की। अब जैसे ये तो छोटे छोटे नंबर इनको हमने कर दिया है, मान लीजिए हम कोई बड़ा नंबर अगर हम ले लेते तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे, उसी नंबर का उसी नंबर मल्टीप्लाई करके करेंगे। मान लीजिएगा हम मल्टीप्लाई स्क्वायर निकालना चाहते हैं 31 का, तो 31 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना है, 31 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तब स्क्वायर निकाल पाएंगे, और यह हमको याद होना चाहिए। तो वही हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से इनको कर सकते हैं। तो पहली जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी है कि हम सब लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, छोटे क्लासों में ये पढ़ा दिया जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन हमने पढ़ा। तो इसका यूज करके हम पहले स्क्वायर निकालना सीखेंगे और उसके बाद में दूसरी कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे जिससे बहुत आसान विधि से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके स्क्वायर फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिएगा हमको 11 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो कौन ए है कौन बी है, इसमें ए पहला वाला वन है और बी दूसरा वाला वन है, तो इस वन का स्क्वायर करेंगे वन ही रहेगा, फिर प्लस में टू ए बी है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके ट्वाइस कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ही वन आ रहा, तो उसका ट्वाइस करेंगे तो टू हो जाएगा, फिर इधर वाले वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही हो जाएगा। और इस प्रकार से नंबर आते हैं तो सेम आप इसी प्रकार से लिख दें तो वो इसका स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। आप देखिएगा 11 का स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिएगा 12 का स्क्वायर निकालते हैं, जब 12 का स्क्वायर निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके तो हम क्या करेंगे, वन का स्क्वायर वन ही होगा प्लस टू ए बी, इनका मल्टीप्लाई टू आ रहा है उसका ट्वाइस करेंगे तो फोर हो गया, प्लस बी स्क्वायर बी है टू इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा। अब सिंगल सिंगल डिजिट है तो आप सेम भी इसी प्रकार से लिख देंगे तो देखिएगा ये 12 का स्क्वायर प्राप्त हो गया। इन द सेम भी अगर हम 13 का स्क्वायर निकालें तो 13 का स्क्वायर भी इसी प्रकार से हो जाएगा, वन का स्क्वायर करेंगे वन, फिर टू ए बी मतलब इनका मल्टीप्लाई थ्री होगा, ट्वाइस करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, और फिर बी का स्क्वायर बी की जगह थ्री है, थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन हो जाएगा। सिंगल सिंगल डिजिट है तो आप इसी प्रकार से इनको लिख दीजिएगा, जीरो का तो 13 का स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम इनके स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमको 19 का स्क्वायर प्राप्त करना है, तो 19 का करने के लिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इनके मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9 का ट्वाइस करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखिएगा यहाँ पर टू डिजिट आ गए तो इनको किस प्रकार से मैनेज करेंगे वो देखिएगा। तो 19 का स्क्वायर निकालने होंगे तो 1 का स्क्वायर 1, इनका मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9 का ट्वाइस करेंगे 18 हो जाएगा, और बी स्क्वायर 81। अब इसको देखिएगा, इसमें देखो दो दो डिजिट आ गए तो अब इन्हें कैसे मैनेज करके रखेंगे, तो ये फर्स्ट डिजिट हमारा हमेशा सेम जैसा का तैसा रहेगा, और इस 8 का एडिशन केवल बीच वाले नंबर में आपको करना है। तो जब 8 का एडिशन हम 18 में करेंगे तो ये हो जाएगा 26, 26 की हम 6 तो यहाँ पुट कर देंगे और 2 लगेगी कैरी, ये हम अगले नंबर में एडिशन कर देंगे, तो 1 में जब 2 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। तो देखिएगा किस प्रकार से हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर को यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमने ऊपर बताया था 31, 31 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। देखो सिंगल सिंगल डिजिट है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 का स्क्वायर 9, इनका मल्टीप्लाई 3 आ रहा, 3 का ट्वाइस करेंगे यानी 2ab6 आ रहा, और बी स्क्वायर 1 आ रहा। आप सेम में इसी प्रकार से इन डिजिट को जैसे हैं वैसे ही पुट कर दीजिएगा तो 31 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा आप
38 का स्क्वायर जैसे निकालना है इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो हमें करना क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 ए बी से मतलब 8 3 या 24, 24 का ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब देखिएगा इनको मैनेज कैसे करना है, हमें लास्ट डिजिट को सेम रखना है और इस 6 का एडिशन हमें 48 के साथ करना है। तो जो 48 के साथ 6 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 54, कैरी 5 आ जाती है और इस 5 का एडिशन करेंगे 9 के साथ जो कि हो जाएगा 14। तो 38 का स्क्वायर होगा 1444 यानी 1444। तो मैं समझता हूँ आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को यूज करके ये स्क्वायर निकालने आ गए होंगे। अब हम आपको सिखाते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है वो ये है कि जो नंबर 50 से कम होते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना नंबर लेस देन 15। अगली कॉन्सेप्ट हमारी है जिसमें आपको बताने वाले हैं जो 50 से छोटे नंबर होते हैं उनके स्क्वायर किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है अमूमन हम लोगों को लगभग 20 से लेकर के 30 तक इतने तो स्क्वायर हमें याद ही होते हैं। ऑर्ली मान लीजिएगा हमको 49 का स्क्वायर निकालना है, 50 से छोटा नंबर है 49 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं 25 को बेस मान के चलते हैं। आप 25 को बेस मान के इन सवालों को करेंगे यानी 25 को आधार मान के आप इन सवालों को स्क्वायर फाइंड करेंगे। जैसे 49 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम ये देखते हैं कि 49 का 50 से डिफरेंस कितना है। तो 49 का जो 50 से डिफरेंस है वो 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 1 आ गया और जितना इसका डिफरेंस 50 से था उतना ही हम 25 में से कम करके रखेंगे तो ये हो जाएगा 24। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम 48 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 48 का जो गैप है 50 से वो 2 का है तो 2 का स्क्वायर पहले पुट करेंगे 04 और उसी 2 को 25 से कम करके रखेंगे तो ये हो जाएगा 23। 47 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 47 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 47 का जो गैप 50 से है वो 3 का है तो 3 का पहले स्क्वायर का रखेंगे हम 09 और उसी 3 को 25 से कम कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा। इसी प्रकार से 46 का स्क्वायर निकालते हैं, 46 का जो 50 से गैप है वो 4 का है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 25 में से ही 4 कम करके रख देंगे तो ये हो जाएगा 21। नेक्स्ट 47 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, ये 47 है। अब 47 का स्क्वायर निकालने के लिए हम ये देखते हैं 47 का तो निकाल सकते सॉरी 45 तो 45 का हम ये देखते हैं इसका 50 से गैप 5 का है तो 5 का पहले स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा और उसी 5 को जो 50 से डिफरेंस था 25 से कम कर देंगे तो 20 बचेगा। 44 का निकालते हैं, 44 का गैप 50 से 6 का है तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और उसी 6 को हम 25 से कम करके रख देंगे तो ये हो जाएगा 19। और देखिएगा मान ली हम 38 का निकालना चाहते हैं, जैसे अभी हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के की इस कॉन्सेप्ट का यूज करके किया था। अब 38 का हम ये देखते हैं 50 से गैप कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 तो 144 को हमें कैसे 144 ही आप रख दीजिएगा और ये देखिएगा 12 का जो डिफरेंस था 50 वो 38 का जो डिफरेंस था 50 से वो 12 था, 12 को ही 25 से कम करेंगे तो 13 बचेंगे तो 3 डिजिट इसमें नहीं लिए जाएंगे 2 लिए जाएंगे तो 3 को रखेंगे आप यहाँ पर, इनको एडिशन कर देंगे 2 ही डिजिट लिए जाएंगे, तीसरा डिजिट अगले वाले नंबर में एडिशन होगा जाके तो ये आ जाएगा 44 और 3 और 1 4 और देखो ये आ गया 1444 ही आ गया 38 का स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अगर अभ्यास में है तो इससे इसके यूज करके हम और आसानी से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है जब बड़ा नंबर आ जाता है तो उसका स्क्वायर हमें पता, जैसे ये 39 है तो हमें 11 का स्क्वायर पता हो तो 11 का स्क्वायर होता है 121 क्योंकि 50 से इसका गैप 11 है और 25 से 11 को जो हम कम करेंगे तो बचेंगे जाके 14 तो 14 रखेंगे इस प्रकार से तो ये आ गया हमारा 1521। तो इस प्रकार से इनके स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं उन संख्याओं के स्क्वायर जो 50 से ज़्यादा हों, तो जो 25 से कम के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट सीखी, 25 से जो कम होती है उसका क्या करते हैं हमने आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश की, ऐसा करता हूँ आपने समझ पाया होगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 50 से बड़ी संख्याओं के लिए, टू फाइंड स्क्वायर मोर देन 50 यानी 50 से बड़े जो नंबर होते हैं उन नंबरों का स्क्वायर फाइंड करना। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास 51 है जो कि 50 से ज़्यादा है, 51 का स्क्वायर निकालना है
तो जिस प्रकार से बीस यहाँ भी हम 25 ही को मान के चलेंगे, तो इसका 50 से गैप एक है, तो हम लिखेंगे पहले वन का स्क्वायर 0 1। अब वहाँ 25 से कम करते थे, जो नंबर 50 से छोटे होते थे उनको हम 25 से कम करते थे। अब जितना नंबर ये 50 से बड़ा तो 25 में एडिशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 26। तो 51 का स्क्वायर हो जाएगा 26 0 1। इसी प्रकार से अगर हम 52 का स्क्वायर निकालना चाहें तो इसका गैप 50 से 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 0 4। 25 में इसी 2 का एडिशन कर देंगे तो 27। इसी प्रकार से 53 का हो जाएगा 0 9, और 3 का एडिशन 25 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं 58 का, तो 58 का देखिएगा 8 है, मतलब गैप इसका 50 से, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। टू डिजिट है तो ऐसे ही रहेंगे, उसके आगे नंबर लिखा जाएगा। और 25 में 30, मतलब इसी 8 का जो 50 से इसका गैप है उसी 25 में एडिशन कर दो, ये हो जाएगा 33। 59 का निकालना चाहते हैं, तो 9 ज़्यादा है 50 से, ये तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और उसी 9 को 25 में एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 34। मान लीजिए हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं 66 का, तो 66 का स्क्वायर निकालने के लिए अब ये नंबर देखिएगा 50 से 16 ज़्यादा है, तो पहले 16 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, 16 का स्क्वायर पता होना चाहिए हमको, 256 होता है, तो हमने 256 लिया, लेकिन टू ही डिजिट लिए जाएंगे। अब देखिएगा ये 16 ज़्यादा था, 50 से ये 16 ज़्यादा था, 25 में जब 16 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 41, 41। तो 41 को एक डिजिट 2 के साथ लेकर के एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 5 6। तो इसमें क्या करेंगे, ये एक डिजिट इधर जो दो नंबर आ रहे हैं उसके साथ एक डिजिट ये एडिशन में चला जाएगा। एक और देखिएगा इसी प्रकार से, मान लीजिएगा हमको फाइंड करना है स्क्वायर 68 का, 68 का स्क्वायर निकालना, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, सॉरी ये 18 है, तो 18 का स्क्वायर होता है 224, 224 सॉरी 324, 18 का स्क्वायर होता 324। तो पूरे पूरे डिजिट हमने यहाँ पर पुट कर दिए। अब 18 50 से ये ज़्यादा था, तो 25 में जब 18 का एडिशन करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जा करके 43। 25 और 18 15 करेंगे तो ये 3 ज़्यादा है, तो 43 हो जाएगा, 43 ये एडिशन कर देंगे 4 6 2 4। तो इस प्रकार से जो नंबर 50 से ज़्यादा होते हैं उनका स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उन नंबर का स्क्वायर जो 100 से कम होते हैं, जिनको हम 100 आधार मान करके करेंगे। अब उन नंबर के स्क्वायर फाइंड करना जो 100 से छोटे हों, लेस देन 100, जैसे 99 है, 98 है, 95, यानी मान लीजिए 90 से लेकर के 100 तक के बीच के हों, या कोई भी हो, लेकिन हमें क्या होना, ज़्यादा बड़ा अगर गैप हो जाएगा 100 से तो हमें उसका स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे देखिएगा 99 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसकी कॉन्सेप्ट अलग है। अब इसका 100 से गैप कितना, 0 1 है, यानी एक है। 99 का 100 से गैप एक है, तो एक का स्क्वायर लिखेंगे तो 0 1, और उसी एक को जो इसका 100 से गैप था उसी को इसी नंबर से कम करके रख देंगे। 99 से जब एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 98। 98 का स्क्वायर फाइंड करना, इसका 100 से गैप 2 है, तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 4, और उसी 2 को जो इसका 100 से गैप है 98 से कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 96, 97। 97 का 100 से गैप 3 है, तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9, और 3 को इसी में से कम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 94। तो इस प्रकार से हम इनको फाइंड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अभ्यास करके समझ सकते हैं। अब देखिएगा 96 का हमको स्क्वायर फाइंड करना है, तो 96 का गैप 4 है इसका 100 से, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 4 को इसी में से कम कर देंगे तो 92। अब मान लीजिए थोड़ा बड़ा नंबर है, 89 है, मान लीजिए 89 का स्क्वायर निकालना है, टू डिजिट है तब तो ऐसे ही चलता रहेगा, और इधर अगर 3 डिजिट आ जाएंगे तो उसमें थोड़ा आपको अंतर करना पड़ेगा। अब देखो ये गैप यहाँ 11 हो गया है, 89 का 100 से गैप 11 हो गया, तो 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, और 11 को इसी से कम करके रखेंगे, 89 से जब 11 कम करके रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 लेंगे 1 के साथ, और 8 से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 7, एडिशन करेंगे 1 2 9 7। तो इस प्रकार से फाइंड करेंगे। अगर यहाँ 3 डिजिट आ जाते किसी नंबर में, एक और समझते हैं, मान लीजिए 88 का स्क्वायर निकालना है, 88 का गैप 100 से 12 है, तो पहले 12 का स्क्वायर पुट करेंगे 144,
और उसी 12 को 488 से कम कर दीजिएगा। तो यहाँ 8 से 2 को कम करेंगे ये आ जाएगा 6, इसके साथ लेंगे जो तीसरा डिजिट है, और इसमें से हम 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब इनका एडिशन करते हैं, तो ये 4 है, ये 4 है, ये 7 और 7, तो ये 88 का स्क्वायर फाइंड हो गया। तो इस प्रकार से आप 100 से छोटे नंबरों के स्क्वायर भी, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाते हैं तो पता कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताएं, और आप उस कमेंट में हमको 87 का स्क्वायर हमें करके बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है। अब हम आपको बताते हैं वो नंबर के स्क्वायर जो 100 से बड़े होते हैं। अब हम उन संख्याओं के स्क्वायर फाइंड करेंगे जो नंबर 100 से थोड़े बड़े होते हैं। ज़्यादा बड़े के लिए दिक्कत ये हो जाएगी, क्योंकि हमें स्क्वायर, मान लीजिए हम 125 का निकालना चाहते हैं, 136 का निकालना चाहते हैं, तो हमें 36 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 100 के करीब के जो नंबर है, कम से कम उनके तो हम स्क्वायर फाइंड कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 101 का निकालना है स्क्वायर, तो इसका गैप देखिएगा इससे कितना है, इसका गैप इससे कितना है, 1 का है, तो यहाँ लिखेंगे 01, और उस 1 को जितना गैप इसका 100 से था, 100 में ही एडिशन, उसी में एडिशन कर देंगे, मतलब 101 में एक एडिशन और करेंगे तो ये हो जाएगा 102, ये 101 का स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार से हमको फाइंड करना 102 का। अभी समझ में आ गई कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर 2 है, 100 से इसका गैप 2, यानी 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 04, और उस 2 को ही 102 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 104। इसी प्रकार हमको फाइंड करना 103 का, तो ये 3 ज़्यादा 100 से, पहले 3 का 100, यानी 100 से इसका गैप 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09, और उस गैप को इसी नंबर में एडिशन कर दिए, 103 में 3 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 106। इसी प्रकार से आप करते चलिए। जैसे हमको फाइंड करना 104 का स्क्वायर, तो 104 का 4 का हो जाएगा 16, और 4 इसी में एडिशन कर देंगे ये हो जाएगा 108। 105 का करना है तो 5 का हो जाएगा 25, 5 इसी में एडिशन करेंगे 110। मान लीजिए 112 का फाइंड करना है हमको, तो 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 144, और 12 इसी में एडिशन करेंगे तो 124 हो जाएंगे ये। लेकिन हमें इधर दो ही डिजिट लेने थे, तो 124 के लिए हम क्या करेंगे, 124 इसके साथ ले लेंगे, 5 डिजिट में ही आएगा 44512। मतलब जो गैप था, गैप का स्क्वायर देखो 3 डिजिट का था, तो एक डिजिट ये तीसरा वाला उधर से जो हम एडिशन करके लाएंगे उसके साथ जाएगा। एक और समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमको फाइंड करना है 115 का फाइंड करना है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता, 225 होता, क्योंकि उसका 100 से गैप इतना है, तो पहले 15 के स्क्वायर निकालेंगे तो 225, और 115 में 15 का ही एडिशन करेंगे तो 130, तो 30 को कहाँ लिखेंगे, 0 लिखेंगे 2 के साथ, तो 25, ये 2 और 0 का एडिशन करेंगे 2 हो जाएगा, और 13 इनका एडिशन करते हैं। एक और इसी प्रकार समझते हैं हम, मान लीजिए हमको फाइंड करना था 118 का, क्योंकि हमें 18 का स्क्वायर यहाँ पता होना चाहिए, तो 18 का स्क्वायर होता 324, और 118 में 18 का एडिशन और कर देंगे तो ये हो जाएगा 136। तो जो तीसरा डिजिट आ रहा है, इसका तीसरा और इसका भी तीसरा, इधर से इसका यूनिट प्लेस का, इसका टेंस प्लेस का एडिशन कर देते हैं, तो ये 24 सेम रहेंगे और ये हो जाएगा 9 और 13। तो इस प्रकार से 100 से छोटी संख्याओं, 100 से बड़ी संख्याओं, 50 से छोटी संख्याएं, 50 से बड़ी संख्याएं, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने आपको ये स्क्वायर निकालना बताया। लास्ट कॉन्सेप्ट बची है हमारी, उसमें हम आपको ये बताएंगे जिनका यूनिट प्लेस में 5 हो, जिनके यूनिट प्लेस में 5 हो उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। देखिएगा हमारी लास्ट कॉन्सेप्ट, इसमें आपको ये बताएंगे जिस संख्या की लास्ट में 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे 5 के लिए तो 25 होता ही है, ये मान लो हमको, अब मान लीजिए 15 का है, 25 का है, 35 का है, 45 का है, 55 का है, एंड सो ऑन। मान लीजिएगा 85 का है, 95 का है, या मान लीजिएगा 105 का है, 115 का है, 125 का, इनके स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 5 होगा उसका जो स्क्वायर करेंगे, तो 25 हमेशा लास्ट दो डिजिट 25 ही आएंगे, और ये जो नंबर बचता है यूनिट 10 प्लेस वाला, इससे आगे वाले नंबर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 का कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होता है 2, 2 बन जा 2,
यहाँ 5 का तो 25 हम पुट कर देंगे, और यहाँ बचा हुआ 2, 2 से अगला नंबर 3 होता है, जिसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ तो 25 ही आएंगे, लेकिन 3 से अगला नंबर होता है 4, 4 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 25 तो होंगे, 4 से अगला नंबर 5 होता है, 5 4 या 20, यहाँ तो 25 होंगे। 5 से अगला नंबर होता है 6, 6 5 या 30, इसी प्रकार से 85 का हो जाएगा 25, और 8 से अगला नंबर होता 9, 8 या 72, 95 के लिए 25 तो होंगे ही, और 9 से अगला नंबर होता 10, 10 9 या 90। इसी प्रकार से हम इन संख्याओं के भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे 105 का करना तो 105 का 25 तो होगा ही, और 10 का अगला नंबर 11 होता है, 11 दाएं 110। इसी प्रकार से 115 क्या करेंगे, 115 के लिए 25 तो आएगा ही, और 11 का अगला नंबर 12 होता है, 12 11 132, और लास्ट है हमारा 125। 125 अगर आपको करना है तो 25 तो आएंगे, और 12 का अगला नंबर होता 13, 13 12 हो जाएगा, 12 12 144 और 12 156। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में आपको स्क्वायर करना सिखाया। आशा करता हूँ आपने ये कॉन्सेप्ट सीख पाई होंगी। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।